नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए नजर डालते हैं रीवा से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरों पर। रोज लवलेस फिल्म द्वारा बिंध में शूट होने वाली बघेली फिल्म को लेकर फिल्म प्रोड्यूसर रिया लवलेस, रजक मीरा सिंह एवं युवा एकता परिषद के संरक्षक सचिन शर्मा, सूर्या, भरत चौधरी, अमन शुक्ला ने रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक SP आबिद खान से सौजन्य मुलाकात की और बिंध क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से चर्चा करते हुए ASP महोदय ने बघेली फिल्म के लिए अग्रिम बधाई देते हुए समाज को नशा मुक्त बनाने के कई विचार दिए। इसके पूर्व भी रिया लवलेस, रजक, रीवा SP, कलेक्टर, ASP शिव कुमार से भी मुलाकात कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो धान खरीदी को लेकर दुआरी धान खरीदी केंद्र में स्त्री चोटी वाला के नेतृत्व में किसानों का क्रमिक अनशन 10वें दिन भी जारी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान अपनी धान की खरीदी को लेकर सरकार से अड़े हुए हैं। धरना स्थल पर नीलेश पटेल, तप नारायण शुक्ला, लाल मल विश्वकर्मा, गोविंद पटेल, सत्यनारायण पटेल, राजेश पटेल सहित भारी संख्या में किसान मौजूद हैं। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं तो पूर्व मंत्री रीवा विधायक माननीय राजेंद्र शुक्ला जी गरीबानंद आश्रम बरसैता डढ़वा में चल रहे 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ एवं राम कथा में पहुंचे। राम कथा का रसास्वादन किया और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त किया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो अंकुर तिवारी सुपौत्र श्री नारायण दास तिवारी, पुत्र श्री कृष्ण दास तिवारी, श्रीमती धर्मशीला तिवारी के न्यायाधीश पद पर चयनित होने पर उन्होंने अपने गाँव का नाम रोशन किया है। अंकुर तिवारी की इस उपलब्धि से कृष्ण मुरारी तिवारी, हरिकृष्ण तिवारी, सनत कुमारी, विवेक तिवारी सहित समस्त तिवारी परिवार के साथ नौढ़िया तहसील त्योथर ग्राम में हर्ष का माहौल व्याप्त है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर तो रीवा जोन के नवागत DIG अनिल कुशवाहा ने अपनी आमद दर्ज कराई है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री आबिद खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा पुलिस अफसर मेस में नवागत DIG अनिल कुशवाहा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।